सावधान इंडिया के इस खास महा एपिसोड में अब तक आपने देखा कि कैसे एक लड़का आशीष एक परिवार की तलाश कर रहा था, दर दर भटक रहा था। एक ऐसा परिवार जिसने उसके भरोसे उसकी मासूमियत का फायदा उठाया, उसे और उसकी माँ को ठगा और फिर फरार हो गया। जिस लड़की से वो शादी करने वाला था, वो लड़की शादी से ऐन पहले अपने पूरे परिवार समेत कहीं गायब हो गई। बहरहाल बहुत ठोकरें खाने के बाद आखिर आशीष को एक ऐसा शख्स मिला जो शायद उसे उसके गुनहगारों के करीब पहुंचा सकता था। कौन था ये शख्स? क्या ये शख्स वाकई कुछ जानता था? और अगर जानता था तो क्या आशीष की मदद कर पाएगा? आइए देखते हैं। आशीष, तू कहीं जा रहा है क्या? हाँ माँ, मैं पटियाला जा रहा हूँ, रोहन से मिलने। माँ प्लीज मुझे रोकेगा मत। तू कहीं नहीं जाएगा। माँ प्लीज। माँ देख आशीष, जो होना था सो हो गया, अब यही हमारी जिंदगी है, हम कैसे भी काम चला लेंगे। तू जाके कोई नौकरी ढूंढ, इन फालतू के कामों में मत पड़। माँ फालतू का काम? हमारी प्रॉपर्टी, बिजनेस, दुकान सब कुछ चला गया है और आप कह रहे फालतू का काम? मैं छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को। देख आशीष, तू अभी गुस्से में है बेटा, तू ठंडे दिमाग से सोच, ऐसे लोग कितने खतरनाक होते हैं, अगर तुझे कुछ हो गया तो। माँ मुझे कुछ भी हो जाए पर उन्हें जीतने नहीं दूंगा मैं। आशीष, कभी कभी हम जिंदगी में खुद को भी हैरान कर देते हैं, कोई ऐसा काम कर गुजरते हैं जिसे हमने कभी मुमकिन ही नहीं समझा था। आज एक लापरवाह और आलसी बेटे ने तीन खतरनाक और चालाक मुजरिमों को पकड़ने की कसम खा ली थी। आशीष से अपनी माँ का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और उसका यही गुस्सा उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। आशीष ने शायद जिंदगी में पहली बार कोई जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी और देखिए कैसे खुद ब खुद रास्ते खुलते गए। बेटा तुम? देखो बेटा आशीष, रोहन की हालत थोड़ी नाजुक है, उसकी दवाइयां अभी भी चल रही हैं, उसे ज्यादा मत उकसाना प्लीज। अंकल सिर्फ 2 मिनट। ओके। लाइट ऑन मत करना, मेरी आंखों में जलन होती है उसे। प्रकाश अंकल ने बताया होगा ना मेरे बारे में, वो लड़की प्रियंका, सॉरी दीपिका नहीं, वो जो भी है, तुम कब से जानते हो उसे? अगर उस लड़की को पकड़ना है तो हमें एक दूसरे की मदद तो करनी ही होगी। जरा सोचो, क्या जानते तुम उसके बारे में, उसके पास्ट के बारे में? और मैं भी उस लड़की से बहुत प्यार करता था, मैं जानता हूं कि तुम पे क्या बीत रही है। गलत, तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मुझ पर क्या बीत रही है। पागलों की तरह प्यार करता था मैं उससे, देखना चाहते हो तुम? मेरा हर दिन उससे शुरू होता था और उसी पे खत्म होता। Therefore, the prosperity leads to high saving rate, which is argued. Oh, hello, excuse me. यहाँ पर आके बैठिए। मैं पढ़ा रहा हूँ। Sit over. So, the resulting increasing in saving does not automatically lead to the increased investment, and there may be not adequate opportunities for investment. So, in the absence of sufficient demand, inventory becomes actual fault.
कौन सी मटेरियल? उसकी दी गई वो हर एक चीज, वो हर एक गिफ्ट मैंने आज तक संभाल कर रखी अपने पास। मेरे जैसा प्यार उसे कोई भी नहीं कर सकता। आशीष, मैंने तुमसे कहा था ना इसे मत उकसाना। अब तुम जाओ यहां से। पासपोर्ट फोटोग्राफी करवानी है तो आज तो मुश्किल है, और अगर शादी के लिए बुकिंग करवाना है तो एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी आपको। दरअसल मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी इस फोटो के बारे में। ये फोटो यहीं से खींची गई थी कुछ 3-4 साल पहले। भाई देखिए, ऐसा है यहाँ 500 लोग रोज आते हैं फोटोग्राफी करवाने के लिए। मैं कुछ समझा नहीं कैसी बातें करना है आप। जी मैं जानता हूँ, पर अगर एक बार नजर मार लेंगे शायद कुछ याद आ जाए। तो ये बहुत ही अर्जेंट मामला है, प्लीज आइए। ये देखिए ये फोटो। कहाँ मिली फोटो तुम्हें? ये बोल कहाँ मिली? मैं भी इस लड़की को ढूंढ रहा हूँ। इसने मेरे और मेरे परिवार का बहुत नुकसान किया है। मैं पटियाला गया था इसे ढूंढता, वो मुझे फोटो वहां से मिली है। आप जानते हैं इसे? हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जो स्टूडियो देख रहे हो ना, मेरे बेटे ने बड़े मोहब्बत से अपनी मेहनत से इसे बनवाया था। न जाने कैसे इस लड़की के चक्कर में फंस गया और उसने जान ले ली मेरे मासूम बेटे की। श्रुति नाम था उसका। राजीव और शिखा की बेटी। वेरी नाइस श्रुति, आई जस्ट लव दिस पोज। वेरी नाइस, यस। यश से कहा था कि उसे मॉडल बनने का बड़ा शौक है। मुझे उस पर शक तो था, पर राजीव इतने अच्छे आदमी थे कि मैंने उसे जाने दिया। जैसे दिवाकर, लगता है दोनों ने अपना फैसला कर लिया। व्हाट डू यू थिंक, दोनों की शादी करवा दे? बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पहले ऑपरेशन हो जाए मेरा, फिर उसके बाद धूमधाम से करेंगे शादी। जैसे आप कहो। और एक दिन अचानक सब कुछ खत्म हो। सर फिक्र करने की कोई बात नहीं है, रूटीन ऑपरेशन है। और वो सर अकाउंट डिपार्टमेंट डिपॉजिट के लिए बोल रहा था। हाँ बेटा, आप चिंता मत कीजिए, मेरा बेटा रास्ते में ही है, वो पैसे लेके आ रहा है। वो जो पैसे आपने डाले थे ना लॉकर में ऑपरेशन के लिए, सब गायब है पापा। अरे तू तो क्या है, बच्चे किसी बात कर रहा है, कहाँ जाएंगे पैसे आखिर? तू तो झूठ तो नहीं बोल रहा है कहीं? मुझे भी नहीं पता पापा, और वहां मेरे अलावा कोई गया भी नहीं, श्रुति और मैं। सुबह से मैं उसका कॉल ट्राई कर रहा हूँ, उसका कॉल भी नहीं जा रहा है। हे भगवान, क्या होगा, अब कहाँ से आएंगे इतने पैसे? अब ऑपरेशन के बिना भी मैं तो बच गया, लेकिन यश इतना बड़ा धक्का, इतनी बड़ी चोट उससे नहीं सका। और उसने यस 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 श्रुति यस 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 मुझे आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है, क्या आपका नाम दिवाकर है? मुझे यकीन है कि आपका भी कोई ना कोई आईडी कार्ड जरूर मिसिंग होगा। तुम्हें कैसे पता? आप अकेले नहीं है जिनके साथ यह हादसा हुआ है। अच्छा आपको उनके बारे में कुछ भी याद है, कुछ भी, कि वो लोग कहां से आए हैं, कहां गए हैं, कौन है? इन कुछ सालों में मैंने उनके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की,
उनके सारी एक्टिविटीज पे ध्यान करने की बहुत कोशिश की उनके घर के बारे में, लेकिन बड़े चालाक लोग थे। अच्छा, आपने जब उन्हें घर रेंट पे दिया था तो उनसे आईडी कार्ड तो मांगा होगा? मैंने मांगा था, पर उस लड़की ने यश पे ऐसा जादू कर दिया कि उसने मांगने नहीं दिया। खैर, अब शायद पुलिस को ही कुछ पता चल जाए। तुम जा रहे हो? हाँ, मैं तो अरे मानता हूं कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, मैं उतना चल फिर नहीं सकता, पर तुम तो जवान हो, तुम तो पकड़ सकते हो उन्हें। कैसे पकड़ू, कैसे ढूंढू उन्हें? मुझे पता ही नहीं है कि कौन है, कहां गए हैं। जब वो यहां पे थे, मैंने श्रुति को हमेशा पंजाब के बारे में पढ़ते हुए देखा। अब समझ में आया, यहां से गए तो पटियाला ही ना। सोचो, शायद कुछ याद आए तुम्हें। और दीपिका, दीपिका से क्या बात करता था तू, बता यार। दीपिका मेरे दादा दादी का हाल चाल पूछ रही थी बस। ए मोंगा, तेरे दादा दादी कहाँ रहते? मुंबई। अरे पिछले 2 साल में पुलिस चौकी के चक्कर काट काट के मेरी पैर की जूतियां घिस गई हैं, फिर भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। पर अंकल जरा आप सोच के देखिए, मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में हम कहाँ ढूंढेंगे उन्हें, कैसे ढूंढेंगे? अरे हमारे पास फोटोग्राफ्स है ना, हम एक एक गली एक एक नुक्कड़ में जाकर के पूछताछ करेंगे, हर घर में जाएंगे, हर दुकान में जाकर के उसकी सोच पूछ करेंगे। कहीं ना कहीं तो पता चलेगा ना, अगर अपने परिवार के लिए ना से मेरे बेटे के लिए करो, और तुम्हें ये करना होगा। मुंबई, आशीष ये बात क्या है, बार बार ये फोन की घंटी बज रही है और बार बार तुम लाइन काट देते हो। अरे मान रहे क्या, घर से माँ का फोन आ रहा है, क्या कहूँ मैं। आशीष, आशीष आप जाइए, कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुझे। अरे तेरे घर पर भी गया था और वहां से स्टूडियो का एड्रेस लिया, फिर स्टूडियो का तो पता चला कि तुम लोग यहाँ पर स्टेशन पर आए हो। तुम यहाँ पे? आशीष तू उसे ढूंढने जा रहा है ना यार, पापा की जमीन तो वापस मिल जाएगी ना। अंकल ये रोहन है, इसके साथ भी। खैर छोड़िए, आई थिंक हमें निकलना चाहिए, हमें देर हो रही है, कल हम मुंबई में होंगे। चलिए मालती, एक कप चाय पिला। पूरा दिन सोना और उठकर चाय पीना, 10 दिन हो गए हैं आए हुए, और कुछ करना है नहीं। इन सारी चीजों में वक्त लगता है, बकरा ढूंढना आसान नहीं है वो मुंबई में। मैं तो बूढ़ी हो जाऊंगी इंतजार करते करते। बूढ़ी तू होगी लेकिन मेरी जान, मेरी जेनी। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग, कभी बूढ़ी नहीं होगी जेनी। जब भी मैं तुझे देखता हूँ ना, तेरी आंखों की मस्ती मुझे पागल कर देती है, तेरे होंठों की नजाकत मुझे दीवाना बना देती है। इंदर तू सुबह सुबह शुरू हो गए। ऐसा है, अभी बाई आती होगी, जरा ढंग से रहना तुम। आज तक किसी को पता चला है कि बाई को पता चलेगा? जेनी, इस बार मैं मुंबई में इतना बड़ा हाथ मारूंगा ना कि अगले दिन से तेरा एक्टिंग करियर शुरू हो जाएगा। सब तेरी चालाक खोपड़ी का कमाल है। चालाक खोपड़ी का अगला शिकार यहां है। आओ आओ, अलायंस इनवाइटेड, वांटेड अ ब्यूटीफुल एंड
well-cultured girl from Dubai for Dubai-based industrialist Vishal Duggal. Call 990-23781. Address, bungalow number 22, Napoleon Street, Bandra West, Mumbai. Yes, Duggal Industries. Automobiles, machine parts, turnover of rupees, 300 crores. Look at this. जाल डालने का वक्त आ चुका है. यस सर. हाँ नहीं नहीं सर, शार्प 1 बजे पहुंच जाएंगे. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर. नहीं, मैंने कहा ना सबसे महंगी वाली कार चाहिए. दैट्स राइट, सबसे महंगी वाली. स्टूपिड, क्या समझते हैं मुझे. हर अलग जगह एक नई पहचान. प्रकाश, दिबाकर, राजीव, दीपिका, श्रुति, प्रियंका, क्या थी इन लोगों की असली पहचान, ये तो शायद कोई भी नहीं जानता था. ये कोई हंसता खेलता परिवार नहीं था, और असल में तो ये परिवार था ही नहीं. बस तीन लालची लोग थे जिन्होंने एक साथ मिलकर दूसरों को ठगने का अनोखा तरीका ढूंढ निकाला था. तीन बेरहम निर्दयी अपराधी जिन्हें ना तो दूसरों की भावनाओं की कोई कदर थी, ना ही किसी को ठेस पहुंचाने का कोई पछतावा. और अब ये तीनों भारत के सबसे बड़े शहर में अपना सबसे बड़ा षड्यंत्र रचने जा रहे थे. Welcome, welcome. Hello. Please take a seat. Awesome. How are you, Mother? Welcome, ma'am. Please sit down. Hi. Hello, Auntie. How are you, my little wonder? Please take a seat. Hi. Hey. I'm Ashish Singh. Sir, I'm Ashish Sharma. My wife, Pratibha. And our daughter, Kangana. Oh, hi, Kangana. How are you? I'm good, sir. How are you? Very well. Thank you. मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं पहले आपको. बिल्कुल बिल्कुल. दिल्ली में मेरी 5 छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं. अच्छा, वेरी नाइस. गुड़गांव में एक डिपार्टमेंटल स्टोर है. बस आपका इश्तिहार पड़ा, हम लोग चले आए. जी, मेरा नाम है राजकिशोर दुग्गल और ये मेरा होनहार बेटा विशाल. क्या है जी, हमारा दुबई में बहुत बड़ा इंटरनेशनल. You would be happy to know, Vishal will look after the entire business in India. अभी क्या है, देखते देखते ये बड़ा हो गया है, अब इसकी शादी में बड़ी जल्दी कराना चाहता हूँ. Oh, Dad. और इसको मुंबई में ही सेटल कर दूंगा. You will be all set. अच्छा सुनो, एक काम करो, कंगना को घर दिखा के लो, समझे? ओके बेटा, प्लीज. मेरे बगैर तो पापा
पापा ऑफिस का दरवाजा भी नहीं खोल पाएंगे। जी विशाल की मदर को गुजरे हुए बहुत साल हो गए। ओह, वेरी सैड। मिस्टर दुगल, आप अकेलापन महसूस करते होंगे? नहीं, यू नो कंगना, दुग्गल इंडस्ट्रीज को एकदम तुम्हारे जैसे लड़की की जरूरत है। यू आर जस्ट परफेक्ट। मिस्टर दुग्गल, कैन आई टेल यू वन थिंग? मुंबई में जो आप ब्रांच खोलने की सोच रहे हैं, फैंटास्टिक आइडिया। आशीष साहब, हम खाली सोच ही नहीं रहे हैं। हमने तो बल्कि सारी फॉर्मेलिटीज, सारे परमिट कंप्लीट कर लिए। यू नो वन थिंग, दिस प्रोजेक्ट कॉस्ट 90 crores। ओह माय गॉड, 90 crores। और आपको मालूम है, हमने इसका प्लॉट भी फाइनलाइज कर दिया है। वी आर इन अ वेरी एडवांस स्टेट। चाय का मजा लीजिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर कमिंग। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स माय प्लेजर। माय प्लेजर। बाय अंकल। आइए आइए आइए। क्या है कि विशाल से मैं बात करके आपको बहुत जल्दी बता दूंगा। डोंट वरी अबाउट। जरूर। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। बाय। क्या लग रहा है? आज तक जेनी का कोई निशाना चूका है कभी? That's good. ओए, तुम्हें क्या लगता है? मेरे लगने से क्या होता है? आखिरी फैसला तो किसी और के हाथ में है। नहीं नहीं, अरे एक्टिंग स्कूल यार, कमाल कर दिया, कमाल का एक्टर है तू। थैंक यू यार। थैंक यू आशीष भाई, आपके लिए इतना तो करेंगे ना। थैंक यू सो मच। अरे यार, हमारा तो ये रोज का ही काम है। हाँ। चलो फाइनली हो गया। हो ही गया। चल चाय पीते हैं। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए अभी यहाँ से। आखिर कुछ न कुछ तो इनिशिएटिव लेना होगा ना। हाँ, पर इतनी बड़ी मुंबई में आप कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? तो फिर क्या करें, बैठे रहें यहाँ? एग्जैक्टली, हम लोग तो यही बैठे रहेंगे, वो लोग खुद हमारे पास चल के आएंगे। बहुत शौक है ना उन्हें शिकार करने का। ठीक है, हम उन्हें एक ऐसा बकरा देंगे कि वो लोग हमारे पास खुद चल कर आएंगे। ठीक है, करो फिर। आप चाय पीजिए। भाई मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। गुल्लू मेरा दोस्त ड्रामा कंपनी में एक छोटा सा एक्टर है। परफेक्ट। और वेबसाइट भी रेडी। ये जो इतना खर्चा हुआ जा रहा है, इसके बारे में कुछ सोचा है? अगर वो लोग नहीं आए तो? अरे कैसे नहीं आते, लालची कहेंगे, उनकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। मुझे पता है इतना अच्छा मौका वो लोग हाथ से जाने ही नहीं देते। अरे आशीष भाई, आप ये सब छोड़िए, वो आदमी आपके नाम से यहाँ आया था, अपने आप को आशीष शर्मा कह रहा था। हाँ, और वो कंगना मतलब दीपिका मतलब जो भी है यार, कमाल है, वो तो हमसे भी अच्छी एक्टर है। उसकी वो नजर, क्या लाइन मार रही थी यार, एक सेकंड नहीं लगा ना मैं उसे शादी ही कर ले। सोचना भी मत। देख, अभी तुझे अपनी लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस देनी। ओके ओके, ये प्लान अपने आखिरी मुकाम तक आ गया है। बस लास्ट। अरे हाँ विनोद भाई। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आशीष जी? जी आपकी दुआएं, बिल्कुल ठीक है। आपसे एक बात कहना चाह रहा था, जब से आप गए हैं ना, तब से विशाल आपकी बेटी की ही गुनगा रहा है। कह रहा था कि कंगना से अलग से मिलना चाहता। ओके ओके बाय। मुबारक हो, काम हो गया अपना। जेनी, कमाल कर दिया तूने। पर आगे क्या करना है पता है ना तुझे? वही जो तू
के साथ कर रही थी और विशाल पूरा दिन तेरे साथ है और परसों तक वो मेरी उंगलियों पे नाच रहा होगा। देख गुल्लू, कल कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आशीष भाई अब चिंता ही मत करो। आशीष यार, एक बार अगर मैं प्रियंका को नहीं रोहन, देख यार, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। ये प्लान का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है और बहुत जरूरी है कि कल सब कुछ प्लान के मुताबिक हो। प्लीज क्या बात है, मैं अपनी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ के आई हूँ तुम्हारे लिए और तुम हो कि मुझे देख भी नहीं रहे। What's the matter? ते खोए हुए क्यों? कंगना, एक्चुअली मैं नहीं आना चाहता था लेकिन फिर लास्ट मोमेंट में ऐसे कैंसिल करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आ गया। Why, what happened? कंगना, listen. मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता यार। जिस मकसद से हम लोग इंडिया आए थे, अपने बिजनेस को इंडिया में एक्सपैंड करना, फैक्ट्रीज खोलना, पता है वो सब सपना ही रह जाएगा यार। यहाँ इतनी यूनियन बॉडीज हैं, वो हमारे इस मूवमेंट से सहमति नहीं है। दे क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अपने डैड के सपने को छोड़ के मैं शादी तो नहीं कर सकता ना। आई कांट डू इट। देखो, तुम मुझे बहुत पसंद हो लेकिन ये सब रिजॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा क्या पता। बेबी, तब तक मैं तुम्हें अटका के नहीं रखना चाहता। बेबी, यू अंडरस्टैंड ना? फरमाइए आशीष जी। आशीष जी, मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूं। माफी? क्या है ना, विशाल अपने इरादों का बहुत पक्का है। कहता है डैडी, जब तक मैं आपका सपना इंडिया में फुल ब्लोन बिजनेस स्टैब्लिश करने का पूरा ना कर लू ना, तब तक शादी नहीं करना चाहता। लॉजिक है। आपको बुरा न लगे तो मैं जान सकता हूं कि क्या मुश्किल है आपके बिजनेस में? अरे अब आपको क्या बताऊं, रोज ही किसी ना किसी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अब ये ट्रेड यूनियन है ना, कहते हैं आप इंडिया में जमीन नहीं खरीद सकते, आप दुबई के। अरे मैं इस मिट्टी में पैदा हुआ, अब मैं दुबई का हो गया। अरे 20 लाख रुपए दिए मैंने एडवांस में जमीन लेने के लिए और आप मुझे दुबई का बता रहे हैं। अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं तो जरूर बताइएगा मुझे। एक तरीका है, बताइए ना। अच्छा छोड़, नहीं बोलिए ना प्लीज। नहीं नहीं बोलिए। पाप ने कहा है तो तरीका यह है कि यह जमीन अगर मेरे नाम की जगह आपके नाम हो जाए ना, तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ये मेरे नाम पे पैसों का सवाल है, मैं आप पक्का यही चाहते कि मेरे। आशीष जी, आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत करिए। इस 2 करोड़ रुपए का इंतजाम मैं करूंगा, आप तो जमीन सिर्फ अपने नाम करवा दीजिए। 2 करोड़ मुझे कोई इतराज नहीं है, ये बच्चों की खुशी के लिए।
अरे आशीष जी, इधर जमीन की डील फाइनल और बारात आपके घर। आप भी बहुत। ये ऊपर वाला भी कमाल है, जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। हमने जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा मिल रहा है। क्या प्रॉपर्टी उसके पास, क्या प्रॉपर्टी। लेकिन वो गधा मुझे कहता है वो खुद अपनी जेब से 2 करोड़ रुपए डालेगा, अपनी जेब से। पर प्लॉट मैंने सब छानबीन कर ली है, परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट, ग्रेट। भाई आशीष देख, मेरे पास तो जितना भी पैसा था मैंने सब लगा दिया है, अब आगे क्या होगा गॉड नोज। अंकल आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ गड़बड़ नहीं होने दूंगा, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो रहा है। मैंने पापा से बात कर ली, वो कल अकाउंट में 50 लाख रुपए डाल देंगे। आशीष पापा ने बहुत बड़ा लोन लिया, अगर कुछ। ओ आई नो, देखो कोई गड़बड़ नहीं होगी, आई प्रॉमिस, सब कुछ बहुत सही जा रहा है। अब यहां तक आके प्लान को नतीजे तक पहुंचा कर ही सांस लेंगे, प्लीज। सबकी आईडी प्लीज। यस सर, माय आईडी। Thank you very much. Congratulations, Ashish. Thank you, sir. Good job. Well done. मिठाई खाओ यार, पूरा लड्डू खिलाता हूँ तुम्हें भी, पूरा खाना पड़ेगा तुम्हें। और आशीष शादी की तैयारियां शुरू करो, चलो। ओके सर, थैंक यू, आइए आइए। हाय बेबी, व्हाट्स अप? हे, व्हाट्स अप? अच्छा सुनो यार, तुम तो मेरे लिए बहुत लकी हो, तुम्हें पता है वो यूनियन बॉडीज वाला मैटर 2 दिन में ही सॉर्ट आउट हो गया। रियली? दिस कॉल्स फॉर सम सेलिब्रेशन। कहाँ मिले? आज ही। हाँ, आई मीन कल से नया साल शुरू हो रहा है, तो सोचा कि आज की रात तुम्हारे साथ स्पेंड करूँ। व्हाट्स इट? जाने मन, तुम्हारी टाइमिंग भी कमाल की है। तुम्हें पता है मेरे डैड भी आज एक बिजनेस डील के लिए बाहर गए हुए हैं। So tonight just you and me. मैं होटल में कमरा बुक कर रहा हूँ। Alright, मैं तैयार होके आती हूँ। See you, baby. See you. Bye. फंस गई। बस आज की रात उसको बिजी रखो, कल तो हमारी किस्मत खुलने वाली है। मुझे तो ग्लैंड भी मिल गया है, जितने में जमीन ली है उससे भी डबल देने के लिए तैयार है। ये जमीन बेच के हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से गायब हो जाएंगे। मुझे बड़ी प्यास लगी है।
ड्रिंक बनाती हूँ। ओके स्वीटहार्ट। जेनी, एक बात का ध्यान रखना कि वो तुम्हें ज्यादा सवाल न पूछे। बेहतर तो यही होगा कि वो तुम्हें सवाल पूछने के लायक ही न रहे। और इसके लिए क्या करना है वो तुम अच्छी तरह से जानती हो। यार हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो भी बिना ड्रिंक्स के। मैं अभी लेके आता हूँ। मेरे लिए तो ये ही सेलिब्रेशन है। I know baby, just give me a second. baby, ड्रिंक के साथ और भी मजा आएगा। अच्छा सर, जरा जल्दी कीजिए, हमें एयरपोर्ट पहुंचना है। हम वैसे लेट हो गए हैं सर, प्लीज। आप पक्का आपको बेचनी है? दो दिन पहले तो आपने खरीदी थी। सर सर वो जमीन मेरी ही सर, और मेरा जब जी जाए तब जमीन बेचूं। क्लाइंट्स भी आके बैठे हैं, जरा जल्दी करें ना, पेपर वर्क जरा जल्दी निपटाइए ना प्लीज। आप रेडी हैं? यस। हां यस यस सर। आपका आईडी प्लीज। यस यस यस, दिस इज माय आशीष शर्मा। जी 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 सर, जल्दी जल्दी सर प्लीज जल्दी। वो लोग कभी नहीं सुधरेंगे, दुनिया सुधरेगी। सर कितना टाइम लगाते हैं आप, कब से इंतजार कर रहे हैं हम लोग। सर जल्दी कीजिए ना प्लीज सर। सॉरी सर, आपको थोड़ी देर और वेट करना पड़ेगा। सर और कितने भाई, इट्स ऑलरेडी 5। ये सब क्या है? जो जमीन तुम्हारी है ही नहीं उसे बेचने चले। सर वो मेरी जमीन है सर, दो दिन पहले मैंने खरीदी है। ये एक मिनट, एक सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ ही हैं सर, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं सर। रुके थे सर, पर इस डॉक्यूमेंट में आशीष शर्मा का ही नाम है। आशीष शर्मा आप ही है? मैं आशीष शर्मा हूँ। और आप कौन से डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं सर? सर कल ही जमीन आपने बेची है और इसे दोबारा बेचना गैर कानूनी है। कल मैंने किसको कब बेची? मैंने जमीन किसको नहीं बेची सर। मैंने दो बार चेक किया है, कल ही आशीष शर्मा ने जमीन बेची है किसी रोहन को। रोहन? जी मेरा नाम आशीष शर्मा है, मैं अपनी जमीन रोहन के नाम करना चाहता हूँ। ये जी मेरा आईडी कार्ड। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा अगर मैं अपनी जमीन दोबारा किसी को बेचना चाहूँ तो मुझे कितने साल की जेल होगी? अब सॉरी खैर छोड़िए, बट हाँ अगर मैं अपनी जमीन किसी और को बेचूं तो आप पुलिस को जरूर बुलाइएगा।
राजीव, आखिरकार अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गए ना तुम। मुफ्त की जमीन चाहिए थी तुम्हें, क्यों? अंकल, प्लान आपने बहुत अच्छा बनाया। वो आईडी कार्ड नहीं लेना चाहिए था आपको, क्योंकि अब एक नहीं दो आशीष शर्मा घूम रहे थे और इस बात का फायदा उठाया मैंने। उस जमीन को बेच के जो आपकी जो मेरी थी। हेलो, तो जेनी जल्दी निकल वहां से, भाग। जेनी तो अब निकल ही रही है और अब सीधा आपको लॉकअप में ही मिलेगी। कहो इतने शातिर को फंसाना, ये सब कुछ आप लोगों ने किया कैसे? इंस्पेक्टर साहब, और कोई चारा ही नहीं था, अपनी माँ का घर मुझे उन्हें वापस लौटाना ही था। उसकी फिक्र तुम मत करो, ऐसे लोगों को सीधा करना हमारा काम है। तुम्हारे पैसे जल्द से जल्द तुम्हें मिल जाएंगे। लगता है मुझे वो लोग बुला रहे हैं, मुझे चलना होगा, यहीं से मेरा काम शुरू होता है। वैसे नए साल की इससे अच्छी शुरुआत तो हो ही नहीं सकती थी। हैप्पी न्यू ईयर। आज अगर यश होता तो कितना खुश होता। इसके बाद इन तीनों से सच उगलवाने में पुलिस को कोई दिक्कत पेश नहीं आई। इंदर मालती और जेनी को अलग अलग पहचान बनाकर लोगों को धोखा देने के लिए आईपीसी के सेक्शन 419, जालसाजी के लिए सेक्शन 420 और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए सेक्शन 120 बी के तहत 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई। अगर इंदर और जेनी जैसे जालसाज ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हर आम आदमी के पास भी एक अद्भुत दिमाग होता है। आप में और हम में फर्क सिर्फ इतना है कि हम कुदरत की इस अनमोल देन का इस्तेमाल दूसरों की बुराई या उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करते हैं। तब तक नहीं जब तक तुम जैसे लोग हमें ऐसा करने पर मजबूर नहीं कर देते हैं। जैसा कि आपने देखा, अपने हक और दूसरों की भलाई के लिए हम अच्छे अच्छों को उन्हीं के खेल में मात देने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि जब रोहन, दिबाकर और आशीष जैसे लोग एक दूसरे का हाथ थामकर बुराई से लड़ने का निर्णय लेते हैं तो फिर उनके सामने टिक पाना असंभव हो जाता है। लिहाजा जालसाजों को हमारी बस एक ही चेतावनी है कि हमारी नेकी और अच्छाई का इम्तिहान न लेने में ही तुम लोगों की भलाई है। सो सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।